फरार हो। सरपंच बनमाली साहब 10 तारीख उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से गिरफ्तार। सरपंच बनमाली साहब 10 तारीख उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से गिरफ्तार। सोनपुर जिला अंधारी पांजी पंचायत की महिला उत्पीड़न घटना की खबर को विस्तार से जानते हैं। 6 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक लड़की बोल रही है कि वो तमिलनाडु से फैक्ट्री बंद होने के कारण अपने गाँव कुल्तीपाली लौटी है और कोरोना महामारी के चलते सरकारी निर्देशों के अनुसार 15 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना है। अपने पंचायत अंधारी बांजी के स्कूल में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर को रात 8 बजे पहुंच जाती है और कुछ दिनों के लिए रहती है। उस क्वारंटाइन सेंटर में महिला प्रवासियों में मात्र एक यही लड़की है, बाकी सब पुरुष वर्ग थे। कुछ दिन बाद सारे लोगों का छुट्टी हो गया उस क्वारंटाइन सेंटर से, सिर्फ बची तो यही मात्र एक लड़की सुष्मिता। मौके का फायदा उठाकर अब शुरू होता है वहां के दायित्व में रहने वाले सरपंच बनमाली साहब के कुदृष्टि का खेल। मैं जितने बाहर नहीं चलो चलो भीतर के चलो तुमको कथा टे पचरावार से वेले यार कहले आ भीतर के डाके ले जे मैं अलगा को बाटर खुलने और बाहर के पला नहीं बाहर के पला नहीं जते बेले गेट नी के गोली जे गेट न जाने पियान बसी तिले तांको ना माधव से माने मते मना को लेके तुम्हें किसी ना कह कहा कि आज शुब जो घर किसी ना हुए बोले आर कहले आटर शुब जो कहले मुझे पल आसनी क्वाटर की आर जिते बेले चुप पड़ी आगे आगे कथा बहुत बढ़ी बसला बोले मुझे ना चुप पड़े बोली आर मुझे कहली पुलिस जिते बेले आसली पुलिस को भी कहली कि पुलिस मैंने एंता कहले कि आम किसी हेदे कर पार आउ तुम क्वारंटाइन सेन्टर रू बाहर ले किसी करमु तुम्हें क्वारंटाइन सेन्टर रू बाहर तुम जीव पुलिस स्टेशन सेनु कम्प्लेन करब बोले सेनु किसी एक्शन नहीं पार्म आर आम हेदे किसी कही ना पार्मू बोल कहले। सुष्मिता को बार बार मानसिक अत्याचार करना और परीक्षा रूप से कुकर्म के लिए उसकाना, जिससे लड़की तंग होकर पुलिस प्रशासन को बताती है, मगर पुलिस प्रशासन का जवाब होता है कि पहले इस क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी ले लो, फिर थाने आओ, एफआईआर करो, फिर हम सरपंच पर कार्रवाई कर सकेंगे। उसके बाद भी सरपंच का कुदृष्टि करना जारी रहता है। इससे तंग होकर लड़की अपना वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया पर मदद के लिए गुहार लगाती है। माने यदि किसी सहाय न करबे मते बेले मो इज्जत रखत हमें सुसाइड कर देमी एटा। जब ये वीडियो वायरल होने के बाद भी मार्मी के सदस्यों के पास पहुंचता है, तब भी मार्मी के सदस्य इस वीडियो की पुष्टि करते हैं और फिर सोनपुर अंधारी बांजी पहुंचते हैं। छानबीन के बाद रामपुर थाना में पहला एफआईआर दर्ज करते हैं। फिर पुलिस प्रशासन भी मार्मी और गांव के सदस्यों को 12 बजे तक आरोपी सरपंच को गिरफ्तार करने का विश्वास दिलाता है, मगर राजनीतिक चाप के चलते खामोशी अख्तियार करने लगता है। फिर उसके दूसरे दिन भीम आर्मी, एसएसटी संघ और ग्रामवासी एकजुट होकर थाना का घेराव करते हैं। फिर पुलिस प्रशासन माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए आरोपी सरपंच बनमाली साह को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन शुरू करता है, मगर सरपंच बनमाली साहब तब तक उस गांव से फरार हो चुका होता है। पुलिस प्रशासन की दिक्कत बढ़ जाती है, मगर फिर भी पुलिस प्रशासन अपने कर्म में लगे होते हैं और बड़ी मुश्किल से आरोपी साह को 10 तारीख उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया जाता है। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से देखते हैं। আমার দাবি
फुलवारी साहब अरेस्ट करियो हमार दाबी हमार दाबी अत्याचारी सरपंच फुलवारी साहब अरेस्ट करियो हमार दाबी मुखिया फुलवारी साहब अरेस्ट करियो हमार दाबी हमार दाबी हमार दाबी हमार दाबी न्याय दाबी रामपुर आईआईसी मान लिया हमार दाबी न्याय दाबी रामपुर आईआईसी मान लिया आशीष भाई मानसिक संतुलन शारीरिक सब निर्यातना दि जाए मारवार सब धमकी दि जाए से घटना पुलिस को एफआईआर कर जड़ेलु पुलिस टाइम नहीं थे आम आसंता का मैंने गत का जोटा जाए आसंता का आम 12 बजे पर्यटन से आसामी को गिरफ्त करूँ कही सरपंच बनमाली सार तार एफआईआर जेन देखूँ तार ना बोले ताकि याचिन तक नहीं मैंने अरेस्ट नहीं कराबार तो से अनुजाई से जो नहीं करेंगे बोले आम तो जन आंदोलन बाध्य रोड रास्ता के उतरमु आर थाना घेराव करमु बोली आर भी मार भी जेनटा कहसी से कर देखा धन्यवाद आमर दिन धारणा स्टार्ट हवा रामपुर पुलिस प्रशासन पाके आमर सरोज कुशल सर जेनटा कहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ताके बयान रखुन से मुखिया है आना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कहे से राज्य से मुख्य है संविधानिक अधिकार आज बर्दी भ्रष्टाचार लगे आज नईन नजर आप भितर ना थे आम दाबी शीघ्र शीघ्र रामपुर पुलिस अरेस्ट करू नजे धारणा इटा खाली आम फोन डाकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करोना लॉकडाउन के आम अनुसरण कर किसी लोक डाकि सोनपुर नीला है पूरा पुलिस भी भितर मुझा आने रखीछन जबकि संवैधानिक लोग संविधान के मानुछन तो रामपुर पुलिस इमिडिएट एक्शन नोन अरेस्ट करोन आर कते दिन लगाबे 12 दिन 12 घंटा भितर आमे 12 बजे अरेस्ट करबो बोले कल रात पाई गला अरेस्ट नहीं कले किंतु आमे संवैधानिक लोग आऊ आमे नो नाय उठो आमे संवैधानिक पीसफुल इन आंदोलन करमु आज से गाँव में थी कि नहीं थे जानी पकड़े।
जना पड़ी जबार टीम आमको जन खबर ता मिली छे प्रायत आमको आशा लागो छे भल ठीक खबर है बोली आगे आगे और हमर ऑलरेडी टीम माने ओंदी हुए अछ ठीक है हम आशा कर छु आज हेई पारे दलित मा भी अत्याचार कर राजन मा को दलित मा भी अत्याचार कर संपूर्ण हाथ राजन मा को माधव घर के जीवे आपन माधव के पाइले आपन धरिकी जीवे एवं केते समय भीतर हम आपन हमको अरेस्ट करबे एवं केसे बर्खास्त करबे माधव दिला भीतर करबे आपन कोन से पहिले तथापि पहिले एक्शन टाइम सर पूरा एक्शन बा घंटे के 2 घंटा भीतर समय पर कहने पर पाइले मिल जाए तो कागज सर कहि नहीं आपन आपन को काम करले ठीक अछे बाकी यदि यदि काली भीतर अरेस्ट ना हला 12 बजे भीतर आमे भी हमर कथा भी जानि रखू जे कल के रामपुर थाना आमे हजारे लोग आपन को आपन को थाना घेरो करमो जब सर ठीक है कोइ दउ ने हम जत की जल्दी पूरा जते जल्दी बोल के फोन जते जल्दी बहुत शीघ्र हम ना निश्चित हो ना एटा आपन भरोसा रख ठीक हैला शीघ्र बोल टाइम हां अरे माने सारे खाना करके देखो हैला माधव माधव और बड़ी मुश्किल से आरोपी शाह को 10 तारीख उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया जाता है।